नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल खाना खजाना में आप आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं करेले की ग्रेवी वाली सब्जी। और करेले आपने बहुत खाए होंगे, आज हम अलग तरीके से बनाएंगे क्योंकि जितने लोग सूखी सब्जी हो जाती है करेले की, तो उसके साथ तरी वाली सब्जी चाहिए, तो हम आज ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने। तो मैंने ले रखे हैं 4-5 करेले हमने धो दिए हैं अच्छे से, तो इसको हम रखेंगे इसमें। दो या तीन हमने प्याज डाले हैं, 3 हमने टमाटर ले रखे हैं छोटे साइज में, ये हमने जला दिया गैस। 4-5 कर लिया, इसमें मैं लहसुन भी डाल देती हूँ। इसमें रखेंगे 1 लोटा पानी, इसमें लगाएंगे ढक्कन, 5 मिनट हम इसको उबालेंगे, फिर दिखाते हैं आप सबको। तो करेले हमारे 1 उबाल आ गए हैं, देखिए गैस को हम कर देंगे बंद। करेले हमारे उबल गए हैं, ये पानी हमने एक बर्तन में रख दिया है, इसको हम अभी सब्जी बनाने में यूज करेंगे क्योंकि उबालने से थोड़ा करेले नरम हो जाते हैं और इनका हल्का कड़वापन भी निकल जाता है। अब इनको हमें देंगे ठंडा। तो करेले क्या हम कर लेंगे, 2-2 हिस्से साइड से हम इनको काट देंगे। जिसके बीज पके हो गए तो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते, अच्छे होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। हमने 2-2 पीस कर दिए हैं इस तरीके से। तो इसमें हम रख देते हैं कढ़ाई में तेल, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं करेले। फ्राई करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से और जो इनका कड़वापन है ना थोड़ा ये कम होगा थोड़ा। तब तक हमारे करेले इधर फ्राई हो रहे हैं। तो करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हमारे करेले हमने निकाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम 2 तेज पत्ते डालते हैं, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डालते हैं सौंफ, 2 पत्ते डालते हैं धनिया, गर्म मसाला वो आधी चम्मच डालते हैं, हल्दी और चम्मच मसाला, ऊपर से डालते हैं हम लाल मिर्च। इधर जो हमने प्याज और टमाटर लहसुन जो उबाला था ना साथ में, इसके हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर का हम छिलका निकाल लेते हैं, पहले इसमें रखेंगे मिक्सी जार में, जो लहसुन थे इसको भी रख देंगे। बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है, इसमें डालते हैं, इसमें डालेंगे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। 1.5 चम्मच हमने नमक डाल दिया है क्योंकि कड़वा होता है ना, तो 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे खटाई के लिए। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। करेले के उबले हुए पानी हमने छान के रखा था, वही पानी हम इसमें थोड़ा लिए हैं, हमको तरी नहीं बनानी है ज़्यादा, थोड़ा बनाना है, एकदम सूखा भी नहीं बनाना है। तो थोड़ा हमारे करेले पकेंगे उसके बाद फिर दिखाते हैं आप सबको। तो दोस्तों हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, आप सभी को दिखाते हैं कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनी है, एकदम लबाबदार, और देखिए कलर भी बहुत अच्छी आ रखी है, बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। इस तरीके से बनाओगे तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, अपने फैमिली को भी खिलाएं। और बस हम डालते हैं धनिया के हरी हरी पत्तियाँ, ज़रूर बना के देखें ट्राई करें। गैस को हम करते हैं बंद, लोहे वाली कढ़ाई में बहुत टेस्टी सब्जी होती है। तो चलिए आप दिखाते हैं आप सबको सर्व करके। एक बात मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, इतने लोग करेले की सब्जी नहीं खाते हैं,
इतने लोग बनाते भी हैं तो सूखी हो जाती है, और उसमें तरी वाली सब्जी चाहिए या तो दाल बनानी पड़ती है, कोई और सब्जी तरी वाली बनानी पड़ती है। तो आज मैंने बनाई है ग्रेवी वाली, एकदम बच्चे भी पसंद करेंगे, तो इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखें, खाएं। और मुझे कैसी रेसिपी लगी, अगर रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।